हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू शिक्षा. हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग फाइन. सो गाइज, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन HCS एग्जाम दैट वॉज कंडक्टेड इन 2021 एंड विच हैज़ बीन कैंसल्ड. ओके, पेपर कैंसल हो चुका है, बट स्टिल क्वेश्चन इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे. पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी जो है वो कवरअप हो चुके हैं. प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर ऑलरेडी विजिबल हो रहा होगा, तो वहाँ पर जाकर के आप दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं. एंड PDF जो है वो अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर. टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच डायनेस्टी रूल्ड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न हरियाणा. ओके, तो समहाउ अगर आप कहो कि सर ये तो हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा. अगर आपने नेशनल हिस्ट्री पढ़ी है तो उस सेंस में भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे. अगर आपको हरियाणा की लोकेशन और सारा एक आइडिया है तो इजीली रिजॉल्व हो जाना था ये क्वेश्चन. तो मॉडर्न हरियाणा में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी एट द टाइम ऑफ द गजनविट इन्वेजन. ओके, मोहम्मद गजनी के इन्वेजन के समय में. ऑप्शन ए तोमरा राजपूत, बी परमारा राजपूत, सी चौहान राजपूत एंड डी वॉज कछवाहा राजपूत. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन है. उस समय में जो दिल्ली रीजन था उसके ऊपर जो रूल था वो था तोमरा राजपूत का एट द टाइम ऑफ गजनविट इन्वेजन. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, इसके अंदर कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं. इसकी मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इसीलिए यहाँ पर डाली नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको. पहले तो ये करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रख लेना पेपर के अंदर. मैंने आपको टाइम एंड अगेन बोला है. ठीक है, तो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द भक्ति सेंट नामदेव. नामदेव से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला कहता है कि ही वर्शिप्ड विट्ठल ऑफ पंडरपुर. स्टेटमेंट टू कहता है कि गुजरात से थे. तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि टेलर के बेटे थे, सन थे. एंड चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ही रोट अभंगास. ठीक है, ऑल राइट. तो इसके अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर अगर नामदेव के बारे में पढ़ा है, NCERT के गो थ्रू किया है, तो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा आंसर. आंसर इसका है बेटा, सबसे पहले आपको बता दूं, सी. देखो, ही वॉज द सन ऑफ टेलर. ये एक जग जाहिर बात है. थोड़ा सा भी अगर किसी ने नामदेव को पढ़ा है तो ये तो है ही है. स्टेटमेंट डी जो है ना, ये ऑप्शन डी गलत नहीं है. ये बेसिकली यहाँ पर बोलना चाह रहा था 1, 2 एंड 3. तो 3 तो सारे ऑप्शन में है, तो अल्टीमेटली इस वाले से बात बननी नहीं थी. ठीक है, बात बननी नहीं थी क्योंकि आप इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं कर सकते. हर में सी है. एक ऑप्शन जो आपको एलिमिनेशन के अंदर यहाँ पर हेल्प करेगा वो है कि कहाँ से बिलोंग करते थे. बेटा बेसिकली ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र को, नामदेव. ठीक है, तो ऑप्शन टू तो बिल्कुल गलत है. अब ऑप्शन टू की मदद से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, सी. तो अगर आपको सिर्फ इनकी लोकेशन का पता था ना, और बाकी के पॉइंट्स नहीं भी पता कि किसकी वर्शिप करते थे या बंगाज लिखे या नहीं लिखे, तब भी आप इसका आंसर ईजिली कर देते. ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो नामदेव का 1270 के अंदर जन्म हुआ पंडरपुर के अंदर. एंड ही वॉज अ लीडिंग पोएट सेंट ऑफ इंडियन मिडिवल पीरियड. और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और मराठी लैंग्वेज के ही अंदर इनकी ज़्यादातर राइटिंग्स हैं. कई बार वो इस स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन बना सकता है कि नामदेव जो थे वो मराठी लैंग्वेज के अंदर लिखते थे. टेलर के सन थे एंड वॉज दस बिलोंगिंग टू अ लो कास्ट. ओके, एंड ही वॉज फॉलोइंग द विजन ऑफ गॉड विष्णु. नामदेव जो है उन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ जो है वो डिवोट की थी टू द वर्कारी पंथ, और जिसको हम पिलग्रिम्स पाथ बोलते हैं. ठीक है, ये जो स्कूल है बेसिकली बेटा वर्कारी पंथ, इसके अंदर भक्ति यानी कि डिवोशन के एक्सप्रेशन और कास्ट रेस्ट्रिक्शन की फ्रीडम को बेसिकली ये प्रमोट करता है. ऑलराइट, नामदेव जो है इन्होंने बहुत सारे अभंगास और हिम्स जो हैं वो लिखे स्पेसिफिकली मराठी लैंग्वेज के अंदर. एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र एंड पंजाब रीजन ऑफ द कंट्री. इनफैक्ट इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि आदि ग्रंथ, जो एक सीक्रेट स्क्रिप्चर है सिखिज्म के अंदर, इस आदि ग्रंथ के अंदर भी बहुत सारे जो वर्सेज हैं, बहुत सारे जिनको आप बोलते हो दोहे या जो टेक्स्ट है, उसके अंदर नामदेव की राइटिंग्स की इंक्लूजन आपको मिलेंगी. ठीक है, रामदेव ने एक पूरे का पूरा जनरेशन को इंस्पायर किया डिवोशनल पोइट्री के अंदर, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में. ठीक है, आने वाले 400 सालों तक. और जो तुकाराम जैसे जो पोएट्स हैं, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ नामदेव ओनली. ओके, तो ये पॉइंट सफिशिएंट है. नामदेव के आजू बाजू अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन वो क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली. तो आपको 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स गिवन थे. ठीक है, अतिरम पक्कम, भीमबेतका, पिकलीहाल एंड बुर्जाहोम. ठीक है,
तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको बताना था क्रोनोलॉजी नॉर्थ से साउथ, इसका बड़ा ध्यान में रखना बेटा कि नॉर्थ से साउथ पूछा है, साउथ से नॉर्थ पूछा है, या ईस्ट से वेस्ट पूछा है, या वेस्ट से ईस्ट पूछा है। अब किसी ने अगर ज़रा सा भी इतिहास पढ़ा है ना, वो सबसे पहले देखेगा कि यार भुजाओं जो है वो कश्मीर की तरफ है, तो सबसे ऊपर वो होगा, तो उसके हिसाब से वो बड़ा चतुर बन के दो ऑप्शन को फटाफट एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। एस ए बुरजाओं इज एस, तो एस सबसे ऊपर आएगा, सबसे नॉर्थ में है, ठीक है, मान लिया। अब ये दो ऑप्शन बचे, अब दोनों ऑप्शन में एस के बाद है क्यू, दैट इज भिम्बेतका, ठीक है, एस के बाद क्यू दोनों ऑप्शंस के अंदर है। अब अल्टीमेटली बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही अतरिम पक्कम और पिकली हाल में थी, ठीक है, भिम्बेतका और बुरजाओं तो पता थे, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन नहीं चलेगा अंटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि वेयर इज पिकली हाल एंड वेयर इज अतरिम पक्कम, ठीक है, तब तक नहीं पता चलेगा। अब देखो अगर मैप में आपको दिखाऊं आंसर है इसका, सबसे पहले तो डी बता दूं आपको, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया आपका भिम्बेतका, सॉरी बुरजाओं, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका भिम्बेतका, उसके बाद आता है आपका पिकलीहल, एंड फिर आता है आपका अतिरम पक्कम, ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ करेक्ट ऑर्डर है। तो अब अगर आप एनसीईआरटी का मैप देखोगे तो आपको यहां पर बुरजाओं और भिम्बेतका ये तो क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस मैप में आपको पिकलीहल और जो आपका अतरिम पक्कम है वो नहीं दिखेगा। पिकलीहल जो है वो बेटा बेसिकली कर्नाटका में, कर्नाटका के अंदर रायचूर डिस्ट्रिक्ट के पास आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसको गूगल वगैरह भी करोगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो आपका अतरिम पक्कम है वो बेटा बेसिकली तमिलनाडु में चेन्नई से 60 किलोमीटर्स के गैप पर है, तो बहुत क्लोज है ये, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका फिर करेक्ट नॉर्थ टू साउथ जो है हो गया। ये देखो एक आधा क्वेश्चन ये वाला तो रहता ही रहता है, ठीक है, इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन तो रहता ही रहता है जो वो साइट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिस्टम इमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी में, एग्रेरियन सिस्टम या एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जहां पर रेवेन्यू ऑफ एन एरिया वॉज फार्म्ड आउट ऑफ द टू द हाइएस्ट बिडर, कि जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उस पर्सन को उस एरिया का जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का चार्ज जो है वो दे दिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए पट्टा, बी कॉल, सी तकशीस, एंड डी इजारा। ये बेटा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इजारा, ठीक है, इजारा इज द राइट आंसर। इजारा 18th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्रेरियन सिस्टम था। कई बार वो किस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इजारा जो सिस्टम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, आर्मी से रिलेटेड था, किस चीज से रिलेटेड था। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता था, नीलामी की जाती थी एरियाज की और लोगों को बोला जाता था कि बिडिंग करो कि आप कितना रेवेन्यू जो है इस पर्टिकुलर एरिया से कलेक्ट करके हमको दोगे, ठीक है, तो जितनी वैल्यू होगी उतना आपको पे करना पड़ेगा, बाकी का जो अगर बच जाएगा एक्स्ट्रा वो आप अपने पास रख सकते हैं। सो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ इजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, मनसबदारी सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पता नहीं कब से आ रहे हैं और आते रहेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मनसबदारी सिस्टम। बाकी इजी सवाल था, थोड़ी सी भी अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, थोड़ा सा भी मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है तो आंसर इजीली हो जाना था। सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मनसबदारी सिस्टम क्या है, ठीक है, बेसिकली मनसबदारी सिस्टम से इनमें से कौन सा फीचर अटैच्ड है, जात सवार, बरकत फना, नमस दीन एंड पेशकश नजर, तो आंसर यहां पर है ऑप्शन ए जात और सवार। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में या मुगल टाइम्स के अंदर ये नमस और दीन क्या होता था, या पेशकश या नजर क्या होता था, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। अब जैसे इस बार का तो आंसर चलो आपका ए हो गया, जात और सवार, अगर नमाज और दीन के ऊपर कुछ पूछ लेता तो यही तो इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि अगर एग्जामिनर ने ये वाले ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, अगर ये वाले एग्जामिनर ने ऑप्शंस क्रिएट करे हैं तो कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ए। थोड़ा सा मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो जैसे जैसे मुगल एम्पायर बढ़ा, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड आउट हुआ, तो पहले क्या होता था, जब शुरू में मुगल्स आए थे तो सिर्फ टर्किश नॉबल्स आपको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिलते थे, पर जैसे जैसे एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, ईरानियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया, इंडियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, अफगान्स को भी, राजपूत, मराठा, सारे लोग जो हैं वो आ गए, ठीक
ठीक है, मुगल सर्विसेज को ज्वाइन किया। अब एक सिस्टम तो बनाना था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो जो भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करता था ना उसको एज अ मनसबदार एनरोल किया जाता था। मनसबदार का क्या मतलब होता था कि एक इंडिविजुअल जिसके पास एक मनसब है। मनसब बेसिकली क्या होता था, कोई पोजिशन या कोई रैंक। जैसे जब आप का पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपको एक स्पेसिफिक पोजिशन मिलेगी ना, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो पोजिशन को मनसब बोला जाता था। अब मनसब जो होता था वो बेसिकली रैंक होते हैं ना, जैसे आज भी सरकारी विभाग में रैंक होते हैं, तो मनसब भी रैंक सिस्टम होता था बेसिकली। और जो डिफरेंट रैंक्स होते थे या मनसब जो होते थे वो क्यों यूज किए जाते थे, इससे एक तो आप उनकी सैलरी फिक्स कर सकते हो, मनसब से आप रैंक फिक्स कर सकते हो, सैलरी फिक्स कर सकते हो, और हर इंडिविजुअल की जो एज अ मनसबदार ज्वाइन कर रहा है उसकी क्या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो फिक्स करोगे। तो उसकी रैंक, उसकी सैलरी और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर आप फिक्स इससे करोगे इसके थ्रू। अब जो रैंक और सैलरी है वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिटरमाइन की जाती थी जिसको बोलते थे जात, ठीक है। रैंक और सैलरी को डिटरमाइन करने के लिए जात यूज किया जाता था। जितना ज्यादा वैल्यू इस जात का हाई होगा उसका मतलब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी उस नॉबल की कोर्ट के अंदर और उतनी ज्यादा उसको सैलरी मिलती थी, ठीक है। मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन मेंटेन करके रखने होते थे, ठीक है, जो बेसिकली एक अपनी खुद की मिनी आर्मी मेंटेन करके रखनी होती थी। और कितने सवार या कितने कैवलरी मैन जो मेंटेन करने हैं वो डिपेंड करता था कि उसका मनसब क्या है, उसका रैंक क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करना होता था। और ये जो सवार और कैवलरी मैन का सारा खर्चा होता है ये मनसबदार जो है वो ही उठाते थे, ठीक है। मनसबदार अपनी इस कैवलरी को रिव्यू के लिए लेकर के आता था बादशाह के पास, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती थी, जो घोड़े होते थे उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग होती थी, और फिर उसको जब रजिस्टर हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में इतने जो कैवलरी मैन है या इतने सवार हैं वो मेंटेन कर रहा है या नहीं, तो वो जब एक बार चेक हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद उसको उसकी सैलरी जो है वो दी जाती थी, ठीक है। मनसबदार को सैलरी कैसे मिलती थी, उनको बेसिकली रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिल जाती थी, उनको एक लैंड मिल जाता था जिसको बोलते थे जागीर, ठीक है। ये इक्ता सिस्टम की तरह ही था जिसके अंदर आपके मुक्ति हुआ करते थे, लेकिन इक्ता सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था, इक्ता सिस्टम के अंदर जो मुक्तिज होते थे वो खुद मैनेज करते थे लैंड को, वो अपनी ही जागीर के अंदर रहते थे, ठीक है, वहीं पर अपनी कैवलरी, वहीं पर अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे और वो वहीं पर पर्सनली उसी जागीर के अंदर रहते थे। लेकिन मनसबदारी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या किया गया कि जिस मनसबदार की जागीर होगी, ठीक है, वो उस जागीर के अंदर नहीं रहेगा, वो अपनी जागीर को खुद एडमिनिस्टर नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना उस जागीर से वो रखने का उसके पास अधिकार है, ठीक है। और ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, बेसिकली जागीर जो मनसबदार होते थे इसके लिए अपने सर्वेंट्स वगैरह रखते थे और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि जागीर से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। ये इसीलिए होता था ताकि जो मनसबदार है वो अपनी जागीर में रह करके करप्ट ना हो जाए, ठीक है, करप्ट ना हो जाए, या वो अपनी आर्मी या फ्यूचर के अंदर बगावत करने की प्लानिंग ना कर ले, ठीक है। तो इसी वजह से जो मनसबदार हैं वो अपनी जागीर के अंदर रिसाइड नहीं करते थे, एडमिनिस्टर नहीं करते थे, ठीक है जी। सो ऑल दिस इज अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। नाउ नमस एंड दीन जो आपका एक ऑप्शन था, तो अबुल फजल जो वन ऑफ द नवरत्नास थे अकबर के कोर्ट के, तो अबुल फजल ने क्या कहा कि जो सॉवरेनिटी होती है, सॉवरेनिटी बेसिकली राजा और प्रजा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एम्परर का क्या काम होता है, एम्परर जो भी उसकी प्रजा है उसकी चार चीजों की रक्षा करेगा, ठीक है, वो क्या है, लाइफ, प्रजा की जान, प्रजा की प्रॉपर्टी दैट इज माल, जान माल, प्रजा का ऑनर जिसको बोला गया नमस, ठीक है, ऑनर को क्या बोला गया नमस, और प्रजा का फेथ दैट इज दीन, ठीक है। तो ये चार जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कौन पूरी करेगा, ये एम्परर पूरी करेगा, राजा पूरी करेगा। अब क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो राजा कुछ कर रहा है तो प्रजा भी तो कुछ करेगी, प्रजा इन रिटर्न क्या करेगी, वो ऑबिडियंस करेगी, वो राजा की जो ऑबिडियंस है, राजा की जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट करेगी, एंड साथ ही साथ रिसोर्स शेयरिंग करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। एंड इट वॉज सेड, अबुल फजल ने यह भी बोला कि जो जस्टिस शो करने वाले सॉवरेन्स होते हैं वो ही सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो जस्टिस का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
पेशकश और नजर बेसिकली क्या होता था कि भाई बादशाह से मिलने जा रहे हैं। आज जैसे आप किसी के घर भी जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हो। तो सोचो उस टाइम पर बादशाह से मिलने जाना है और खाली हाथ वहां पर जाकर के खड़े हो जाए तो अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए बेसिकली क्या होता था कि कोई भी अगर बादशाह से मिलने जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। एक स्मॉल सम ऑफ मनी जिसको नजर बोला जाता था या लार्ज अमाउंट, वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता था कि कोर्ट में किस लेवल का आदमी आ रहा है ना। तो अगर कोई छोटा मोटा आदमी आ रहा है तो वो स्मॉल सम ऑफ मनी जैसे कि नजर ले आता था। लार्ज अमाउंट अगर कोई बड़ा कोई नोबेल आ रहा है या कोई दूसरा राजा आ रहा है तो वो पेशकश ले आता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेशकश एंड नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड। पहला ऑप्शन ए, 1970 में लॉर्ड वेलेस्ले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल प्रोविंस में। किसी ने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना तो उसका ये क्वेश्चन देख करके ये हो गया था कि यार ये क्या है, मेरी तो नॉलेज को तुम लोग वो कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो। ठीक है, इतनी हिस्ट्री पढ़ ली, यही क्वेश्चन मिला था, नॉट करेक्ट। तो मेरे को तो बाकी का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ती बेटा। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ले हमें पता है क्लियरली कि ये नहीं थे। लॉर्ड वेलेस्ले 1790 में आए ही नहीं थे, वो तो जाकर के कहीं 1799 में आए थे, है ना। तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तो ये गलत स्टेटमेंट है और मुझसे गलत ही पूछा गया है, तो आंसर ए हो जाना था। ठीक है, ओके। सो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, दूसरा स्टेटमेंट था अंडर दिस जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज एज द ओनर्स ऑफ देयर एंटायर लैंड इन देयर जमींदारी। बिल्कुल सही, मेड राइट ऑफ लैंड ऑनरशिप हेरिडिटरी था, बिल्कुल सही, जमींदार्स के पास अधिकार था टू सेल द लैंड, बिल्कुल सही। तो एक बार देख लेते हैं बेटा, आंसर तो ए ही होना है। जमींदारी सिस्टम को देख लेते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ले ने नहीं बेटा, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने शुरू किया था, और 1790 में नहीं 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। ठीक है, और इसके थ्रू बेसिकली क्या था, लैंड राइट्स जो है वो मेंबर्स के फिक्स कर दिए गए थे इन परपेचुइटी। परपेचुइटी बेसिकली क्या होता था, ठीक है, विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फिक्स्ड रेंट और ऑक्यूपेंसी राइट फॉर एक्चुअल कल्टीवेटर्स। एक तरह से जो लैंड है परपेचुइटी का क्या मतलब होता है कि लाइफ लॉन्ग वो हेरिडिटरी एक तरीके से बना दिया, कोई इसके अंदर जो है एंड डेट नहीं था। ठीक है, तो आपने एक तरह से जमींदार को ओनर बना दिया लैंड का। द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर बाय द इंटरमीडियरीज नोन एज जमींदार्स। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जमींदार वॉज केप्ट एट 10/11 एंड द रिमाइंडर गोज टू जमींदार। तो अगर 100 रुपये कलेक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो 100 रुपये में से 10/11 जो है वो किसको जाएगा, सरकार को जाएगा, और एक हिस्सा किसको जाएगा, एक हिस्सा जाएगा आपके ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि 90% के करीब जो है वो सरकार को जाएगा और 10% जमींदार को जाएगा। और ये सिस्टम कहाँ पर प्रिवेलेंट था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्रा, मध्य प्रदेश के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, मेनली बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। पेट्रा ड्यूरा ये क्या होता था बेटा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट वॉज अ टाइप ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन प्रिवेलेंट इन डेक्कन, टेक्सटाइल डिजाइन, ओके। स्टेटमेंट बी कहता है कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको यूज किया जाता था, कलर्ड स्टोन्स होते थे, हार्ड स्टोन्स होते थे जिनको मार्बल वगैरह के अंदर कार्विंग किया जाता था, सैंडस्टोन के अंदर कार्विंग किया जाता था। थर्ड स्टेटमेंट कहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो मुगल वेडिंग रिचुअल्स में प्ले होता था। चौथा कह रहा है कि कलर्ड फोटोग्राफ था जो ईरान से मुगल कोर्ट में लाया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो ना, इन्होंने क्या किया है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के वर्ड्स को। आंसर है बेटा यहाँ पर आपका बी। ठीक है, तो बेसिकली पेट्रा ड्यूरा क्या होता था, कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते थे बेटा, कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते थे जिनको ना इस तरीके से डिप्रेशन में डाला जाता था। ठीक है, बेसिकली मोती होते थे एक तरह के, एक हार्ड पत्थर होते थे, उनको मार्बल के अंदर प्लेस किया जाता था, मार्बल के अंदर डिप्रेशंस क्रिएट करके या सैंडस्टोन के अंदर डिप्रेशंस क्रिएट करके ताकि एक ब्यूटिफिकेशन की जा सके। तो उसको क्या बोलते थे, पेट्रा ड्यूरा। बेसिकली जेम्स एंड स्टोन्स का इस्तेमाल होता था फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड वॉल्स, ओके, इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए। सो दिस वॉज पेट्रा ड्यूरा गाइस, ओके, ऑल राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स जो है वो डालता रहूंगा। अगर कोई भी डाउट रिजोल्यूशन करना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर, या मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर। PDF टेलीग्राम के अंदर अवेलेबल रहेगी, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।